Hello everyone. In this class, we are going to discuss about measurement of flexibility. We are going to see some test item through which we can easily find the flexibility of an individual. Okay. So first, we will see Krausovitz test or Flotas test. Okay. So by seeing this picture, you can understand how you should perform the Krausovitz test or Flotas test. So here we will see the purpose of this test. Right, the purpose of this test is to measure the flexibility of lower back and hamstring muscles. Okay, तो हम लोग का जो hamstring muscle and lower back muscle है उसका flexibility measure करना इस test का काम है. And equipment needed pen, paper and flat surface. Right, now we'll see procedure. This item measures trunk flexibility and strength of back and hamstring muscles. This subject is asked to stand erect in bare feet with hands at sides and feet together. The examiner holds knees of the subject and asks him or her to lean down slowly and touch floor with fingertips and hold the position for 3 seconds. Right, so हम लोग जो योगा में परहस्तासन आसन परफॉर्म करते हैं और जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसनस करते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं, ऐसे ही परफॉर्म करना है. ठीक है, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और हम लोग का जो नी, दोनों नी स्ट्रेट रहेंगे और स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग होना है और जो फ्लोर है उसको टच करना है. ठीक है, उस पोजिशन में 3 सेकेंड तक वेट करना है. और स्कोरिंग क्या होगा, इफ़ द फिंगर टिप्स रिमेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 or more inches फ्रॉम द फ्लोर, दिस सब्जेक्ट इज ग्रेडेड एज फेल, वाइल द सब्जेक्ट इज अवॉर्डेड 1 point हु इज एबल टू टच द फ्लोर एंड होल्ड द टच पोजिशन फॉर 3 seconds इज गिवेन ए स्कोरिंग ऑफ 10 points. ठीक है, this is the scoring method for this test. बहुत easy test है, इतना complicated नहीं है. तो next we will see the sit and raise test. Okay, the purpose of this test is to measure the groove flexibility of area of the hips including the lower part of the waist and back of thigh hamstring muscle. ठीक है, तो generally जो hamstring muscle है including hips एंड बैक मसल, उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करना सीट एंड रिस्ट टेस्ट का पर्पोज है. आई इक्विपमेंट्स नीडेड सीट एंड रिस्ट बॉक्स स्केल मैट एंड मैट एक्सेट्रा. ओके, तो प्रोसीड्यूर, द पार्टिसिपेंट सीट्स ऑन द ग्राउंड विथ लेग्स स्प्रेड, फीट शुड बी कॉन्टिग्यूस विथ बॉक्स. The legs should be straight while touching the ground. The participant attempts to touch the numbers inscribed on the box with the fingers of his hands, placing both of his palms on the top of the box and leaning forward from the waist, or move the palms on the box to the maximum distance as far as the he can take. Both palms should be parallel. While doing this, it is prohibited to move the waist forward with a jerk, keeping the palms on the box for 2 seconds while leaning forward from the waist. ठीक है, तो हम लोग सिंपली समझते हैं कैसे परफॉर्म करना है. इस पोजिशन में हम लोग को बैठना है, जो सीट एंड रिस्ट बॉक्स है वहाँ पर हम लोग का दोनों पैर वहाँ पर प्लेस करना है और दोनों नीज फ्लोर के साथ टच होते रहेंगे. और जो हम लोग का दोनों हाथ का फिंगर टिप्स है जो सीट एंड रिस्ट बॉक्स है उसके ऊपर एक रोलर स्केल रहते हैं और वहाँ पर दोनों फिंगर टिप्स को प्लेस करना है. और क्या करना है, हम लोग को स्लोली आगे की तरफ उसको पुश करना है. ठीक है, तो उसमें कभी कभी कोई कोई झड़ कर देते हैं मोर डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो वो अलाउड नहीं है. ठीक है, तो उसको स्लोली आगे की तरफ जो रोलर स्केल है उसको पुश करना होता है. वहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है जो बॉक्स है,
और जो लास्ट पोजीशन होंगे, ठीक है, जो स्ट्रेसिंग करके जो लास्ट पोजीशन में रहेंगे वहाँ पर 2 सेकेंड वेट करना है, और जो मेजरमेंट वहाँ पर है बॉक्स में है वो रिकॉर्ड करना है, वो होंगे उसका स्कोर, ठीक है। तो द डिस्टेंस टच बाय द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स इज मार्क्ड, ठीक है, दोनों हाथ से जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे और वहाँ पर जो सिटेंस बॉक्स है वहाँ पर लिखा हुआ है मेजरमेंट, वो मेजरमेंट रिकॉर्ड करना है, वो होंगे उसका रिकॉर्ड, राइट। ये जो टेस्ट है, दो टेस्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया, सिट एंड रिस्ट टेस्ट एंड ट्राउ सुबे टेस्ट और फ्लो टच टेस्ट, ठीक है, जिसके थ्रू जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम लोग इजीली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है उसका कंपोनेंट्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसको उसके लिए क्या क्या टेस्ट आइटम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या टेस्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।